सभी को नमस्कार, जोर से आप सभी को प्रणाम। और राजस्थान संस्कृत अकादमी कला संस्कृति विभाग, राजस्थान विप्र कल्याण बोर्ड, जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, NFDC एवं रिफ फिल्म क्लब के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित द्विदिवसीय द्वितीय राष्ट्रीय संस्कृत फिल्म महोत्सव में मैं अंशु हर्ष आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूं और अभिनंदन करती हूं। इस आयोजन का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन की शुरुआत हम अपने अतिथियों के स्वागत के साथ करेंगे। मंच पर मैं बुलाना चाहूँगी सर्वप्रथम हमारी संस्कृत अकादमी की अध्यक्ष डॉक्टर सरोज कोचर को कि वो पहले आएं और फिर हमारे अतिथिगण श्रीयुत दुष्यंत श्रीधर, शुभम सहरावत, चार्ल्स थॉमसन, यदु विजय कृष्णन, सुश्री ज्वाला एस परमेश्वर, युवराज भट्ट राय और रिफ फिल्म क्लब के फाउंडर सोमेंद्र हर्ष जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी मंच पर पधारें। और हमारे साथ हैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, डिप्टी कमिश्नर सेल टैक्स, प्रोफेसर राजधर मिश्र, रजिस्ट्रार संस्कृत विश्वविद्यालय, शिवकांत जी, निर्देशक केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, और प्रोफेसर तारा शंकर पांडे जी, कुलपति श्री कल्ला जी वेद विश्वविद्यालय निम्बाहेड़ा। तो तारा शंकर पांडे जी, लोकेश जी, राजधर मिश्र जी, आपसे अनुरोध करूंगी कि जो बाहर से हमारे अतिथिगण पधारे हैं इनका सम्मान और इनका स्वागत कर हमें अनुग्रहित करें। मैं अनुरोध करूंगी शंभू कुमार जी झा साहब से कि आप भी मंच पर आएं और हमारे अतिथियों का सम्मान कर हमें अनुग्रहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपकी तालियों की ऊर्जा बराबर बनी रहनी चाहिए क्योंकि तालियों में वो ऊर्जा होती है कि परम शक्ति को हमारी तरफ ले आती है और उसका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बना रहता है। तो संस्कृत भाषा के लिए, इस खूबसूरत सफल और सार्थक आयोजन के लिए और आप सभी की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। आज इस प्रथम सत्र में
आज के प्रथम सत्र में अब हम जिस बात पर संवाद करने जा रहे हैं उसका विषय है संस्कृत सिनेमा भविष्य के साथ संवाद। कल आपने इसके अतीत और वर्तमान पर चर्चा सुनी थी और आज हम इसके भविष्य के साथ संवाद पर चर्चा करेंगे। और संवाद को आगे बढ़ाने के लिए मैं माइक युवराज भट्टराय को देती हूँ। युवराज संस्कृत समाचार एंकर हैं, सह संवाददाता हैं दूरदर्शन समाचार के। युवराज अहम स्वागतम अभिनंदनम च व्याहरामि। वयम संस्कृत चलचित्रस्य ऐतिह्यं भविष्यं च इति विषये परिचर्चा रताः स्मः। यस्तनादारभ्य अद्यतनपर्यन्तम् अद्विदिवसीय एषः कार्यक्रमः चलति। अत्र अवसरे गतदिने अस्माभिः यत् चर्चा विहिता या ये विषयाः अत्र उद्भूताः तत्र चलचित्रदर्शनं जातं चत्वारिंशत् वर्षपूर्वस्य यदासीत् आदिशङ्कराचार्य तद् ऐतिह्यम् आसीत्। अधुना यत् शाकुन्तलम् अस्माभिः दृश्यते ततश्च यानमपि अस्माभिः दर्शनं करिष्यते तद्विषये चर्चार्थं तस्य चलचित्रस्य अत्र नायकाः सन्ति। सर्वादौ अस्य आयोजनस्य उपक्रमस्य आयोजनार्थं राजस्थान संस्कृत अकादमी रिफ क्लब तस्य संस्थापकाः निदेशकाः ये सन्ति अकादम्याः झाला महोदय अत्र अस्वस्थतावशात् नैव उपस्थिताः। ते अध्यक्ष महोदयाः कोचर महाभागा अत्र उपस्थिताः सन्ति। तासां सान्निध्ये अत्र वरिष्ठाः कुलपतयः आचार्याः सन्ति या अग्रिमपङ्क्तौ विराजमानाः सन्ति। तेषां समेषाम् आशीर्वादेन अस्य कार्यक्रमस्य आरम्भः जायते। भवतीभिः तत्र अंशुहर्षवर्याभिः महत्या सुचारुशैल्या सञ्चालनं विधीयते। भवतीभिः मह्यम् एषः अवसरः प्रदत्त चर्चायाः परिचर्चायाः कृते, तदर्थम् अहं धन्यवादं व्याहरामि। चलिए मैं सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ इस कार्यक्रम में। आपके समक्ष जो विराजमान ये अधिमंच में और अभिमंच में हैं, ये बहुत ही प्रबुद्ध लोग हैं और संस्कृत को नए आयाम के साथ, बहुपक्षीय आयाम के साथ इस नए संसार में ले जाने के लिए हम तत्पर हैं। और इसके लिए ये बहुत बड़ा, जिन्होंने अपने कंधे पर भार उठाया है, ऐसे संस्थापक रीफ क्लब के फाउंडर हमारे हर्ष जी, सोमेंद्र हर्ष जी, और अकादमी की अध्यक्षा कोचर मैडम, साथ में अग्रिम पंक्ति में विराजमान सभी विद्वानों को मैं नमन करता हूं। और सीधा चर्चा के लिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं प्रथम सिनेमा से, क्योंकि चलचित्र की बात हो रही है और आपको ये तो पता ही है आजकल विज्ञापन का जमाना है, बिना विज्ञापन के कुछ नहीं चलता और हम लोग विज्ञापन में पीछे हैं। कल बात हो रही थी चर्चा के विषय में, चित्र की भाषा के विषय में, चित्र कितना प्रभावकारी है। हमने व्हाट्सएप में इमोजी से बात करना चालू कर दिया है, नहीं हमने चित्रों की भाषाओं को बहुत ज़्यादा, और ये जीवंत भाषा है। तो मैं सबसे पहले स्वागत करता हूँ इस दुष्यंत चलचित्र शाकुंतलम चलचित्र के निर्देशक, जो बहुत बड़े पब्लिक स्पीकर हैं, दुष्यंत श्रीधर जी का। आप सब जोरदार ताली से इनका सत्कार करें। और उपन्यास व्याख्यान शैली इनकी आदिन, मैं तो आपको सर टीवी डिबेट में हर कोई देखता है आपको, इतने बढ़िया तरीके से भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार व्याख्यान, जो जिस भाषा में बोले उसी भाषा में उसका जो है ये उपाख्यान कर देंगे, प्रत्याख्यान भी कर देंगे और प्रख्यापन भी कर देंगे। ऐसे अद्भुत वाग्मिता और व्याख्यान के शैली के धनी हैं आप। ऐसे व्यक्तित्व को हम अपने बीच पाकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपने अपने समय को निकाला तो हम आपसे अन्य विषय पे चर्चा ना करके सीधा चलचित्र के विषय में ही चर्चा करेंगे। आपने, क्योंकि जब आप चलचित्र निर्माण में गए होंगे इस क्षेत्र में, तो चलचित्र पहले के भी देखे होंगे और आप आधुनिक युग से बहुत टेक्नोलॉजिकल साउंड हैं, आप उन सब चीज़ को जानते हैं। आपके कई व्याख्यान जो है हमने विद्यालयों में भी देखा है, जो छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक की प्रेरणा करने में बहुत समर्थ हैं, ऐसे सक्षम व्यक्तित्व। और शाकुंतलम का निर्माण
इससे पूर्व आपने क्या देखा कि भाई आपके अंदर विचार आया कि मैं शाकुंतलम का निर्माण करूं, उसमें आपने कौन सी चुनौतियों को पाया और उन चुनौतियों से आप कैसे निपटे, और ये भविष्य के जो युवा हमारे बीच हैं इनको आप संस्कृत के प्रति प्रेरित कैसे करेंगे? एक आप क्योंकि पब्लिक स्पीकर तो हैं और चलचित्र निर्देशक होने के नाते ये सब बात हम आपसे जानना चाहेंगे। कृपया इतिहास और आपके चलचित्र तक का भी थोड़ा सा व्याख्यान करें। स्वागत है आपका, मान्यवर। महात्मनाम दर्शनम उत्तमम स्यात्, महात्मवाक्यम श्रवणम वरम स्यात्। श्रेष्ठो भवेत् साधु गुणानुवादः, श्लाघ्यो भवेत् साधु समागमोपि। I am indeed blessed to be in the august presence of such learned people on the stage and off the stage. Extremely indebted to the anchor and very grateful to Somendraji and his wife and all the people who are party to organizing such a beautiful film festival in Jaipur. Though I come from the south of India, I am also the son of Rajasthan because I studied at BITS Pilani. So, जैसे कि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और he spent a large section of his boyhood in Gokulam and Vrindavanam. Though birthed by the south of India, I was educated in Rajasthan. So, I am extremely proud to be speaking in the front of you all. Of course, there are dignitaries on the stage whose qualifications, whose experience may run to pages. Very quickly, I would like to address some of the questions that the anchor has raised today. There is a saying in Sanskritam, Kavyeshu natakam ramyam tasya ramya Shakuntala. There are different forms of literature that we have bequeathed. Kuch padya hota hai. कुछ गद्य होता है। जड़ किरण शकल धर जटिल नटपति मकुट तट नटन पटु विभु दसरी धति अति बहुल मधुगणन ललित पद नलिन रज उपमृदित निज वृजिन जहदुपल तनुरुचिर परम मुनिवर युवती नुत। दिस इज गद्यम, प्रोस, द वे वी स्पीक सेंटेंसेस। वंशे जात सवितुरनघे मानयन मानुषत्वं देव श्रीमान जनकतनयान वेशने जागरूकः प्रत्यायाते पवनतनये निश्चितार्थस्य कामी। ऑल दिस इज पद्यम, पोएट्री, बिकॉज इट्स ईजी टू रिमेंबर। यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पद्यम एंड गद्यम, दैट्स कॉल्ड एज चंपू, चंपू काव्यम। You have natakam, the highest. You have dialogues, you have poetry, you have padyam, you have gadyam, everything. So in Bharata Desham, we have had a very rich civilization of our past. आप सोचते होंगे कि मैं हिंदी में क्यों बात नहीं कर रहा हूँ? I generally speak in Hindi to an audience who doesn't understand Hindi. So you're all so experts in Hindi, so you will easily find faults in my Hindi. So I'm taking a course of Ren and Martin Acharya from Britain. Okay, so of the different forms of literature that we have bequeathed, जो हमें मिला है national asset, उसमें all scholars opine that Kalidasa's Abhijnana Shakuntalam is the best. But just imagine, Abhijnana Shakuntalam by Mahakavi Kalidasa is in Sanskritam. The first cinematic adaptation of Shakuntalam was done in 1940 in Tamil. Generally, Tamil Nadu is believed in the political circles to be against Sanskritam. But the first adaptation of Shakuntalam of Kalidasa was made in Tamil in 1940, where M.S. Subbalakshmi played the role of Shakuntala. Then it was made twice in Hindi, one in the name of Shakuntala and the other name is Stri. Then it was made in Malayalam, it was made in Telugu, it was made in Kannada, all four South Indian languages, and twice in Hindi and never in its original language Sanskritam. जैसे कि आप सोचिए, रोमियो जूलियट कोंकणी में बनती है, तुलु में बनती है, मैथिली में बनती है, भोजपुरी में बनती है, खमागणी इधर राजस्थानी में बनती है और इंग्लिश में नहीं बनती है। सो द सेम केस वॉज विद शाकुंतलम, इट वॉज मेड इन एवरी पॉसिबल लैंग्वेज बट संस्कृतम। सो दैट वॉज द फर्स्ट विजन टू टेक अप शाकुंतलम टू बी डन इन संस्कृतम। एंड द अदर थिंग इज, इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड टॉपिक।
सभी लोगों ने अभी समंता शी हैज ऑल्सो प्लेड अ रोल अगेन द सेकेंड टाइम इन तेलुगु सो पीपल हैव प्लेड द थर्ड बिगेस्ट चैलेंज ऑफ ऑल द अदर चैलेंजेस वॉज टू डू 160 RT-PCR टेस्ट बिकॉज वी वर शूटिंग इन ओमाइक्रॉन डेल्टा वेव सो जब हमने शूट किया था वो दूसरी वेव थी कोरोनाचार्य जो बोलते हैं वो भी एक आचार्य है परमात्मा जैसा अणु है ना वो सभी जगह व्याप है और सर्वज्ञ है इट हैज़ एवरी क्वालिटी ऑफ परमात्मा सो दिस कोरोना वॉज इन द सेकेंड वेव डेल्टा एवरी न्यूज चैनल फ्रॉम बरखा दत्त टू अर्नब गोस्वामी वॉज कवरिंग इट एंड वी वर शूटिंग इन द मिडल ऑफ ऑल ऑफ दैट सो दैट वॉज एन अदर चैलेंज एंड एन अदर चैलेंज वॉज सी फॉर एग्जाम्पल यू आर ऑल एक्सपर्ट्स इन द लैंग्वेज इन विच यू स्पीक सो इमेजिन I take a language which is comfortable to you and you have to render dialogues. You will do it like this. Meri paas ma hai and all of those dialogues you can do. He'll do it much better. So all those dialogues we know in the Raskala and all of that. Suppose that's the way we are used to. Imagine you have to by heart 96 dialogues in Sanskritam. There was no prompting. See for our movie, generally you know movies they'll prompt from behind. Meh, there'll be somebody behind to prompt. Would you like to tell? Main idhar hoon. So somebody will be prompting. Who will prompt you? Only I have to do that job. So Zoom session, we had 4 months and we had to by heart all the dialogues. So that was another challenge. And hamara jo regional accent hai. Sochiye ki main, you can understand from the Hindi in which I speak that I'm from south of India. Can you? You can easily recognize, right? Somewhere from the south of India से ही है जो हिंदी की शैली होती है हमें पता चल जाता है He must be from one of those Chennai, Bangalore, कहीं से होगा इसको That thing should not happen with Sanskritam. See, that was another concentration. Suppose Shantakar, Bujuk, Shain, Padnab, Suresh, the person should not understand. Sure, he's from north of India. So, we had to get rid of that regional accent. So it took a lot of sessions for us to get rid of that regional accent. See, for example, if you're a Malayalam speaking person from Kerala, you will have that little accent in whichever language you speak. We can't get rid of it. It's natural for us. So we have to get rid of that. So that was another challenge. So many, many challenges. But besides this, just to quickly conclude the question what the anchor has asked, through this movie, we just not wanted to project Sanskritam. बिकॉज संस्कृत जब हम बोलते हैं ना तो हम सोचते हैं इट इज़ ओनली फॉर सिद्धांत शंकराचार्य जी रामानुजाचार्य जी मध्वाचार्य जी वल्लभाचार्य जी शंकर सूत्र भाष्यम अथा तो देन ब्रह्म जिज्ञासा देन वी हैव गॉट शास्त्र योनित्वात देन ऑल दीज स्टेटमेंट्स फ्रॉम शास्त्रम इज वेन वी रिमेंबर बट संस्कृतम इज ऑल्सो अ लैंग्वेज ऑफ श्रृंगार काव्यम फॉर लव Suppose if you are planning to choose your counterparts, how many of you are planning to choose and how many of you have chosen? How many of you have got your love counterparts and how many of you are planning to choose? They're planning wale hi hai kya? Okay, so if you're planning to choose, just imagine you're going to propose in Sanskritam. It'll be wonderful. So this Shringara Natakam is very important because Sanskrit was just not used for philosophy. Siddhant ke liye hi Sanskrit nahi tha. Shringar ras ke liye bhi Sanskrit tha. So isliye we wanted to use. So let us insist every movie maker in India to have one dialogue in Sanskritam in all their movies. The hero has to go and project and tell her, oh, Alisha, Mama Api, he should begin. The dialogue. So that should be the status. So in this movie, we have used Khadi. 75th year ke liye humne banaya tha. To pure movie mein humne Khadi use kiya. And Khadi ko humne natural dyes mein dye kiya. Jaise ki haldi, beetle, areca nut, all of that. We have dyed them naturally. We have used handcrafted jewelry. Shakuntala aur Dushyant ka jo scenes hai, usme humne प्योर गोल्ड एंड डायमंड्स का ज्वेलरी यूज किया वुमिडी से चार तरह के शिल्प कला को हमने प्रदर्शन किया एक है होयसला आर्किटेक्चर पल्लवा आर्किटेक्चर विजयनगरा एंड चालुक्या चार डिफरेंट व्हेन यू सी द मूवी टुडे यू विल सी फोर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर वी गॉट परमिशन फ्रॉम ASI
archaeological survey of India and we went and shot in those places for real. 95% जो dialogues है संस्कृत में है, 5% प्राकृत में है. अम्म गुरुणमच्चुय जीया सीया सन्नमिलद्द पैट्टो पड़िवाय परमट्टो वारेसी अपंडित अत्तणम अम्मानम. ये है प्राकृत. जीन जो मत है जैनिज्म, उसमें बहुत ग्रंथ प्राकृत में लिखा जाता है और बुद्धिज्म में पाली. सो वी हैव यूज्ड प्राकृतम सबटाइटल्स इन इंग्लिश. एंड जो सॉन्ग्स का लिरिक्स है, साहित्य है, दो लाइन हमने तिरुकुरल तमिल से चूज किया, दो लाइन तेलुगु, दो लाइन कन्नड़ा, दो लाइन मलयालम और 4 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ डांस को यूज किया, भरतनाट्यम, मोहिनीयाट्टम, ओडिसी एंड यक्षगाना. एंड देन वी हैव शोकेस्ड 4 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ योगासना, एकपदासना, त्रिविक्रमासना थ्रू विश्वामित्रा. विश्वामित्र जी जब तप करते हैं तभी मेनका आती है, तो उनके द्वारा हमने योगा को भी प्रमोट किया. So we have used 30 different styles of ragas, Rageshri, Kalyani, Kambhoji, Shankarabharanam, Abhogi. So we have used 30 different styles of ragas, Hindustani or Carnatic style mein. 10 ancient instruments, vadyon ka humne use kiya. So the Sanskrit movie through this, in short I'll conclude, humne national integration ka ek idea socha. यदि वो खुद सिर्फ संस्कृत में बंधी है तो लोग सोचेंगे ओ ये संस्कृत है, एक ही जाति का है. ऐसा नहीं है. संस्कृत सभी जातियों का है, सभी वर्णों का है, सभी लोगों का है. तो इसी मोटिव को वी केप्ट इट इन आवर माइंड एंड वी हैव मेड दिस मूवी एज अ नेशनल इंटीग्रेशन. ऑफकोर्स वेरी थैंकफुल टू this beautiful festival for giving us a platform to say a few words such as this. Thanks for the patient listening. हाँ सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई. देखिए, एक चलचित्र में सारी चीज़ों का समाहित कर दिया इन्होंने, नाट्य से लेकर संगीत से लेकर कौन सी विधा इस्तेमाल हुई है, योगासन के कौन कौन से आसन हुए हैं, कौन से हमारे पुरातात्विक क्षेत्रों में इसकी शूटिंग हुई है, कौन से वस्त्र और आभरणों को धारण किया गया है, एक एक चीज़ों की व्याख्यान, इससे कितना मतलब ज्ञानवर्धक ये पिक्चर है. और सबसे बड़ी बात, कल हम इसी बात को चर्चा कर रहे थे कि भाई संस्कृत को ये माना जाता है कि ये तो खाली पूजा और शास्त्रीय पद्धति की है, इसमें श्रृंगार नाम की कोई चीज़ होगी नहीं, रोमांस होगी नहीं. लेकिन आज आपने यहाँ से, क्योंकि आज आप आप्त व्यक्ति हैं, आप क्योंकि चलचित्र निर्माता हैं और आपने इस चीज़ को समाज में स्थापित कर दिया है कि भाई हाँ, चलचित्रों के द्वारा जो संस्कृत में निहित श्रृंगार है उसको हम लोगों तक और अच्छे तरीके से पहुँचा सकते हैं, जिसको आपने पहुँचाया. लेकिन एक जिज्ञासा और हमारी यहां दर्शकों की ओर से भी ये जागृत हो जाती है कि आजकल चलचित्रों में हम देखते हैं कि हर चीज जिस मॉडर्निटी के नाम पे उसको अंग्रेजीकरण या पाश्चात्यकरण कर दिया गया है. चाहे उच्छृंखल प्रेम को हम कह देते हैं कि यह श्रृंगार है, जिसको रोमांस का नाम दिया जाता है, रोम का अंश है, क्योंकि रोमांस नाम ही इसलिए पड़ा, रोम की संस्कृति, इटली की राजधानी की, वहाँ की तो आप बरों में भी जाओगे तो वहाँ नग्न मूर्तियों को ही सुंदर कहा जाता है. लेकिन जो हमारा एक श्रृंगार का पक्ष है, जिसमें सात्विकता का भी आधान होता है, उसके संदर्भ में हम आपसे जानना चाहेंगे. और नाटक में ऐसे अन्य चलचित्रों में समावेशनीय श्रृंगार के कौन कौन से पक्ष हैं जिसको आप आगे प्लान कर रहे हैं भविष्य के लिए, क्या ऐसा कुछ है, उसके विषय में भी आप जानकारी प्रदान करें ताकि हम सब लाभान्वित हो सकें. आपका बहुत बहुत स्वागत है मान्यवर. नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने 8 रसों की ही उल्लेख की है. द 9th रसा शांत रसा वॉज एडेड लेटर. So we have different types of rasas. For example, if you know somebody is misbehaving, that very minute you will have to teach them a lesson. You have that raudram. When somebody is disgusting to the core, you don't want to see them, bibhatsa. When you have to evoke that nationalism in you, there is viram. When you look at somebody who's suffering, you feel that karuna, anukampa, daya. So all these rasas, you know, in Bharatanatya Shastra, when you learn, in 1 minute you have to show through your abhinayam all the 9 rasas. That's the beauty. Lekin jab, wo jo pehle point jo bol raha tha,
लोग सोचते हैं संस्कृत में सिर्फ शांत रस है. यू हैव टू कीप थिंकिंग ऑफ परमात्मा, मोक्षम, जीवात्मा गोज अवे फ्रॉम द बॉडी, बस हो गया, आत्म साक्षात्कार, सायुज्यम, सायमीप्यम, सालोक्यम. नहीं. So we have a variety in Sanskritam. All our natakas are filled with variety. They will be cheating. What is Mahabharatam? What is Ramayanam? Full of that. So when Rama has to look at Sita in Aranyakandam, the third canto in Ramayanam, while they travel from Sutikshna's ashramam in Madhya Pradesh and reach the quarters of Maharashtra, he tells Sita, you're so beautiful. There are about 10 dialogues. And she too romances Rama that way. Shurpanaka, the widowed sister of Ravana, when she has to meet her half-brothers called Kara, Dushana, Trishiras in Janasthana, she comes and tells, she proposes to Rama. She doesn't take him to a coffee day and say, a lot more can happen over a cup of coffee. She just proposes to him in Sanskritam. So, a lot of it happens in Shringara. So, Shringaram as a emotion is used in many of our natakas. Vikram Urvashiyam, Pururavas and Urvashi, the dialogue, he says, Seshovangam Bhuvo Bharaha. Oh, you know, the beauty is, are you all following me? There are two answers that you can either say, yes or no. This is the choice. Samajh sakte hain jo main bol raha hu? Say yes. Aaj ekadashi nahi hai na? You're not fasting. Say yes in an energetic manner. Wonderful, thank you. So, Urvashi is a beautiful damsel. She's an apsaras. While she's kidnapped by the demon, Pururavas, the king, goes and, you know, the hero always has to protect, right? And the hero should look like the one who protects. That's why my name is Dushyanta, but my hero Dushyanta is seated next to me. He looks like the one who protects. I look like the one who needs to be protected. So, Pururavas goes and protects Urvashi from the clutches of the demon. Then he carries Urvashi in his ratham. Now, you know, when the ratham lands, Kalidasa gives a very dramatic thing. When the flight lands, you get air turbulence. It lands, right? So, Kalidasa says when the chariot lands, there is a small jerk and Urvashi comes and falls on him like this. On Pururavas. Now Pururavas, after he goes to his palace, he is not concentrating on signing any of the ordinances. Kuch bhi nahi hota hai. Policy paralysis. Kuch nahi hota hai. So the minister comes and asks, Pururavas, why are you upset? What has happened to you after that yuddham? He says, my body has become a burden. Your body has become a burden? You look quite strong. You're suffering from good health. Kya hua tumhe? So he says, this part Urvashi touched me. The rest of the body where she has not touched has become a burden to her. Sesho vangam bhuvo bharaha. So look at the romance, what he does. You can't even imagine. Kalidasa was one of the best romantic writers in the world. You know, when people from the West say, Kalidasa is the Shakespeare of Europe. I have to ask our foreign minister Jayashankar to give him back. Kalidasa is not the Shakespeare of India. Shakespeare is the Kalidasa of Europe. Kalidasa was 1200 years before Shakespeare. When we do not open our mouth in public forums or jab naichanu sandhan se ghar mein hi rehke baithe sabhi bhagwan dekhega, so the world will start writing its own history. खुद वो लिखेगा इतिहास. तो हमें आकर बोलना है मंच पे कि ये हमारा संस्कृति है, हमारा कलाचार है. सो द श्रृंगार रस हैज बीन अडॉप्टेड इन वेरियस फॉर्म्स. टू कंक्लूड, वेन एवर यू ऑल हैव टाइम, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल बिकम ब्राइट स्टार्स ऑफ दिस कंट्री. यू आर ऑल द रियल सपोर्ट, द बैकबोन ऑफ आर कंट्री. जब भी आपको अपॉर्चुनिटी आती है तो आप कालिदास, भारवी, श्री हर्षा के नैषधम, Magha ke Sishupala Vadham, you have got Kadambari, a wonderful novel, one of the best novels, Kadambari. You've got Mruchakatika, you've got Mudra Rakshasa, you've got Paduka Sahasram, Yadava Bhyudayam. So many, if you go to the Sanskrit library, you'll need at least 7 births to complete it. So please learn it, read it, appreciate it. That's the best way to do it. I conclude it here.
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई। आज हमें अब ये एहसास होना चाहिए कि हमें कई भी ये कह देते हैं कि भाई शेक्सपियर ने ये लिखा है, उससे पहले ये जानो कि कालिदास ने क्या लिखा है, तभी हमें पता चलेगा। हम लोग अपने आप को उपस्थापित करने के लिए कभी शेक्सपियर या अन्य पाश्चात्य विद्वानों की जगह कालिदास या फिर टैगोर या फिर तिरुवल्लुवर, ऐसे अपने अड़ोस पड़ोस को हमने पढ़ा नहीं, अपने देश के लेखकों को पढ़ा नहीं कि उसने कितनी सुंदरता, श्रृंगार, भक्ति ये सब चीज़ें लिखी है ना। और हम दिए चले शेक्सपियर को पढ़ने। आपकी प्रेरणा बहुत ही उदात्त है और हमें उम्मीद है कि हम सब इसको धारण करेंगे। आप चलिए, आप देखिए, नायक सशरीर सुंदर तो होना ही चाहिए। आपके सामने नायक के पहले ताली बजाइए, उनसे प्रश्न करूं उससे पहले। और ये निर्देशक का नाम दुष्यंत है और ये शुभम है, ये जो है शुभम है जो दुष्यंत बने हैं। शुभम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और क्योंकि आप नायक एक संस्कृत फिल्म में नायक बने, वो भी इतने उदात्त चरित्र दुष्यंत का रोल आपने निभाया है, भूमिका आपने की है। भूमिका का मतलब ये तो है, भूमि जहाँ पे भी लगा, भूमि तो पृथ्वी है। जब भी आप कन प्रत्यय करते हैं उसका मतलब होता है छोटी भूमि। जब कोई किसी का रोल करता है तो उसका पूरा जीवन भर नहीं करता है, दो घंटे ढाई घंटे करता है। आप शायद डेढ़ घंटे की ये मूवीज होगी, मूवी है हमारी, उसमें आपने दुष्यंत का बहुत बखूबी भूमिका निभाई है। तो पहली बात तो आपको संस्कृत के इस रोल को करके कैसा अनुभव हुआ, अपना अनुभव बताएं। फिर युवाओं को संस्कृत फिल्म देखने के लिए आप क्यों प्रेरित करना चाहेंगे, इसमें क्या विशेषता है आपके चित्र में कि ये जाके सबको कहें कि भाई आप चलचित्र अवश्य देखें, इसकी ये खासियत है। क्योंकि स्वयं नायक बोल रहा है, हर कोई आता है ना प्रमोशन करने भाई ऐसे कार्यक्रम में, तो आप बताइए कि आपको कैसे देखना है। आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए। और उससे पहले मैं थैंकफुल हूँ मिस्टर दुष्यंत जी का कि उन्होंने मौका दिया, जिस वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, और इस फेस्टिवल का भी जिन्होंने आमंत्रित किया और मैं यहाँ पर आया। और बेशक ये मूवी जो है 90 मिनट की है, लेकिन इस 90 मिनट में जो किरदार निभाया उसके लिए मेहनत काफ़ी लगी। और जैसा कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, तो काफ़ी गौरवान्वित मैं महसूस कर रहा हूँ ये किरदार करने के बाद। और मेरी शुरुआत इस किरदार से हुई, वो भी मेरे लिए काफ़ी गर्व की बात है। और आज की युवा पीढ़ी को मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़ी प्यारी भाषा है संस्कृत। और जैसे आजकल बोलियाँ भी होती हैं, हर एक प्रदेश की अपनी एक बोली है, और उसमें जो बात भी करते हैं, लेकिन इसमें बड़े शिष्टाचार है संस्कृत में, बड़ी प्यारी भाषा है। तो मैं आप सभी को कहूँगा कि आप मूवी देखिएगा और उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि हम सभी ने मिलके कितना एक बेहतर कार्य किया, और आप सभी उसका आनंद उठाइए। मैं बस इतना ही कहूँगा, धन्यवाद। बहुत सुंदर, आपको अभी छोड़ेंगे नहीं हम। आपने क्योंकि इतना सुंदर किया, और ये जानकर आपको बड़ी अच्छी बात होगी कि गीता का उपदेश जहाँ हुआ समरांगण में, कुरुक्षेत्र की भूमि से आप जो है संबंध रखते हैं, इसलिए और ताली हो जाए, गीता के उपदेश की भूमि से आप आए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप कोई, क्योंकि हर कोई आप देखते हो कोई भी कलाकार कहीं आता है तो उसको ऐसे ही कोई ना छोड़ते बिना डायलॉग बोले, तो एक डायलॉग तो आपसे हो ही जाए कि संस्कृत में आप डायलॉग सुना के जाए कल, जो ये हेडलाइन बन के आए कि इतना अच्छा आपने बोला। जी जरूर, स्वागत है आपका। ये डायलॉग है जब दुष्यंत जो हैं वो शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं, तो दो ऋषि जो हैं उनके पास आते हैं, वो एक यज्ञ कर रहे होते हैं, तो उसकी रक्षा के लिए वो उनसे रिक्वेस्ट करने आते हैं। तब ये डायलॉग दुष्यंत, राजा दुष्यंत जी बोलते हैं, विश्रांतेन भवता मम अपि एकस्मिन् कार्यस्य कर्मणि सहायेन भवितव्यम्। बहुत खूब, बहुत खूब, आपका स्वागत है। देखिए, हमने कल जो है भगवद अज्जुकम जो प्रहसन नाट्य है उसका भी यहाँ पे प्रदर्शन किया गया उस चलचित्र को, और उसको देखा खूब जो है बच्चों ने या लोगों ने कल, क्योंकि बहुत सारे लोग आए हुए थे, लगभग 1500 के खचाखच हॉल भरा हुआ था। हाँ, तो उसमें लोगों ने अतीव आनंद उठाया। अब हमारे बीच
दोनों निर्देशक श्री यदु विजय कृष्णन जी हैं और उसकी सह नायिका हैं, उसमें भूमिका की उन्होंने, नायिका की सहेली के रूप में थी ज्वाला जी। मैं आपसे, अब आप कल से हैं इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस के संस्कृत फिल्म फेस्टिवल के विषय में आपका क्या मानना है, इसका जो है प्रभाव कितने दूर तक जाएगा और संस्कृत को प्रसारित करने में क्या उपाधेयता इसकी आप देखती है? कृपया 2 मिनट में आप अपना वक्तव्य रखें, स्वागत है आपका। थैंक यू। वेल, आई स्पोक एक्सटेंसिवली यस्टरडे एंड एवरीवन वॉच्ड माय फिल्म एंड आई विटनेस्ड अ ग्रेट रिएक्शन एंड आई एम थैंकफुल दैट आई कुड बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म फेस्टिवल एंड टॉकिंग अबाउट दिस फिल्म फेस्टिवल। Like I said yesterday, we can make a film in Sanskrit, but it won't mean anything if there's no one to watch it. And Sanskrit films don't have that, audience base as we have in other languages. So we need to encourage Sanskrit film industry. The only way is to through such film festivals. In other international film festivals, we don't get that space. Yes, Sanskrit films are being screened there. My film itself has been shown in Shanghai, New York, Melbourne, IFFI. But such a dedicated film festival for Sanskrit, it's very significant. And it will encourage and motivate more filmmakers to make films in Sanskrit. And it will, I know, maybe in the future it will help in all this financial or business part of the Sanskrit film industry as well. I don't think right now we can expect or guarantee a film producer that he can generate a lot of revenue from making a Sanskrit film. Maybe in the future, like this, with the help of film screening here, we'll get a massive base for Sanskrit films, and it will help in the future for filmmakers who are making films in Sanskrit. जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली से सत्कार करें। बिल्कुल, ये इसका गुरुतर दायित्व जो लिया है सोमेंद्र हर्ष जी ने और संस्कृत अकादमी की अध्यक्षा आपके सामने बैठी हुई हैं, इनका उद्देश्य ये कि बस किसी भी प्रकार से संस्कृत चलचित्र उद्योग को हम आगे बढ़ाएं और पूरे विश्व को ये दिखाएं कि आखिर संस्कृत में कौन कौन से ज्ञान के भंडार निहित हैं, कौन कौन से नाट्य के अंश निहित हैं। अब आप जो है जोरदार ताली से स्वागत करिए ज्वाला जी का, जो उसकी नायिका हैं। और ज्वाला जी, आपसे केवल इतनी सी हमारी जो है एक निवेदन है कि आप इस पूरे कार्यक्रम को जो कल से देख रही हैं, इसके विषय में आपका क्या मंतव्य है, इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है और समाज में क्या आप संदेश देना चाहती हैं इसके संदर्भ में? कृपया अबाउट दिस कार्यक्रम। सबको मेरी नमस्कार। मुझे हिंदी सबसे नहीं मालूम, अच्छे नहीं मालूम। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर बिकॉज संस्कृत इन द कैन मे स्पीक इन मलयालम ओके संस्कृत इन द लैंग्वेज മുന്നോട്ട് വരുന്നതിനെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും ഇങ്ങനത്തെ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലൊക്കെ നടത്തുന്നത് വളരെ സന്തോഷമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഐ മീൻ ആയുർവേദിക് ഡോക്ടർ, സോ എൻ്റെ അക്കാഡമിക്കിൽ ഞാൻ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഷൂട്ടിംഗ് ടൈമിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സാൻസ്ക്രിറ്റ് പറയുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കൊരു തടസ്സമില്ലായിരുന്നു. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. സോ ഐ വോണ്ട് ടു വാച്ച് യുവർ മൂവി. ഒരുപാട് എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ഇങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ, സാംസ്കൃത് ഭാഷയിലുള്ള സിനിമകൾ ഇനിയും മുന്നോട്ട് വരണം. സംസ്കൃത ഭാഷയെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ യുവതലമുറ തന്നെ, അവർ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഷുഡ് ഡെവലപ്പ് സാംസ്കൃത് ലാംഗ്വേജ് ത്രൂ വയ ഫിലിം, ഡോക്യുമെൻ്ററി ആൻഡ് ഓൾ അതർ മീഡിയ. താങ്ക് യു. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए आप, ये संस्कृत का ही मंच है जहाँ विभिन्न भाषा भाषी लोग एकत्र हो सकते हैं। संस्कृत माता में ये सामर्थ्य है जो राष्ट्र के कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जितनी मर्जी भाषाएं हों, लेकिन हमारा आत्मा उन भाषाओं की आत्मा एक ही है, वो है संस्कृत। आपने संस्कृत के डेवलपमेंट के विषय में इस मंच की कामयाबी बताई, ये वास्तव में बहुत ही सुंदर बात है। अब मैं इसी प्रसंग में आगे बढ़ना चाहता हूं। हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया सिडनी से पधारे हुए हिंदी के बहुत बड़े अनुरागी और संस्कृत के बहुत बड़े संपोषक हैं। आप जो है संस्कृत और हिंदी को
अपनी जो है द्वितीय भाषा या प्रथम भाषा के रूप में ही स्वीकार कर चुके हैं। आधे से अधिक वर्ष तक भारत भ्रमण में और भारत की परंपराओं के प्रसार प्रसार में आप लगे रहते हैं। भाषा को लेकर, हिंदी और संस्कृत भाषा को लेकर आपका विशेष प्रेम है और हिंदी चलचित्र हो चाहे संस्कृत चलचित्र हो, उनको बढ़ाने में आप किसी भी प्रकार से कोई कोताही और खामी नहीं बरतते। ऐसे दूर देश से पधारे हुए हमारे चार्ल्स थॉमसन जी का मैं स्वागत करता हूं। आप सब जोरदार ताली से स्वागत करिए कृपया। आपसे भी वही मैं प्रश्न दोहराना चाहूँगा, आप दो दिन से इस कार्यक्रम को पूरा निरीक्षण कर रहे हैं और सोमेंद्र हर्ष जी से आप जिन सब चीज़ों में चर्चा कर रहे हैं संस्कृत चलचित्र को आगे बढ़ाने के विषय में, आप भी उसमें योगदान देना चाहते हैं तो आप इस विषय में बताएं, कार्यक्रम के औचित्य के विषय में बताएं और आगे आप संस्कृत के लिए और क्या क्या अपने संदेश देना चाहते हैं या उसमें योगदान देना चाहते हैं उसके बारे में बताएं। स्वागत है आपका। सबसे पहले राजस्थान राम राम साह, मैं बहुत खुश है कि आप लोग का साथ है। अब जब हम लोग एक ही शब्द है भाषा, और एक छोटा प्रश्न आता है हर एक व्यक्ति के मन में हिंदुस्तान में, मैं किस भाषा में बात करेंगे। और आजकल अगर आप जहाँ भी जाएंगे, जहाँ मैं होटल में रह रहा है, कहाँ भी हिंदुस्तान में जाएंगे, सब लोग अपने बच्चे को अंग्रेजी सीखने को कोशिश कर रहा है। वो आपका कमजोरी है, मजबूरी नहीं है। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं अंग्रेजी के खिलाफ है। एक प्रश्न होता है कि संस्कृत क्यों सीखेंगे, मलयालम क्यों सीखेंगे, मेरा मातृभाषा तमिल है। आप देखेंगे पूरे विश्व में जहाँ भी आप जाएंगे, हर एक व्यक्ति 2-3-4-5 भाषा बोल सकता है, सीख लेता है अंग्रेज को छोड़ करके। क्योंकि अंग्रेज को समझ में आए कि जब आप अंग्रेजी सीखेंगे, वो भी भाषा सीखना बहुत मुश्किल, उसको उच्चारण की वजह से उसका साउंड संक्षिप्त है ना, सीखने में कष्ट है। और आप उनका राज के साथ चले गया। और आज बड़ा दुख की बात है कि इस देश, एक ही देश पूरे विश्व में जहाँ सुप्रीम कोर्ट एक भी मातृभाषा इस्तेमाल नहीं होता है। आप विश्वास नहीं करेगा, कुछ बच्चे लोग एक YouTube चैनल बनाया है लो चक्रा, उसमें हर एक प्रदेश का हाई कोर्ट, वहाँ चीफ जस्टिस आराम से बैठ करके अपना ज्ञान बांटता है। और नाम तो हम बोल देंगे, वहाँ हमने जाएंगे गुजरात, वहाँ आप देखेंगे YouTube में चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात एक प्रश्न खड़ा हो जाता है और गुजराती बोलता है, उसको डांटता है, हाउ कैन यू स्पीक दिस लैंग्वेज इन द हाई कोर्ट, वी ओनली स्पीक इंग्लिश इन द हाई कोर्ट। ये कौन सा दुनिया है 75 साल के बाद, आज़ादी के बाद ना। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर आप संस्कृत सीखेंगे ना तो वो भी भाषा हिंदुस्तान में आपको वो आसानी पड़ेगा। एक दूसरा है, जैसा आप वो भाषा बोल सकते हैं ना, तो आप सोशल मीडिया में और ये जो इनोवेशन हो रहा है ना पूरा दुनिया में, जो आप हिंदुस्तान में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, आपको बहुत मदद करेगा नौकरी में जी। तो ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है, बस हम तो लंबा भाषण दे सकते हैं इस पर, इतना हम बोलेंगे संक्षिप्त में, धन्यवाद जी। आपने भाषा के संदर्भ में बड़ी अच्छी बात कही और चलचित्र की उसमें बहुत भूमिका है। चलचित्र से भाषा की संप्रेषणीयता अधिक होती है, तो चलचित्र जो संस्कृत में बन रहे हैं ये वास्तव में संस्कृत के भाष्यमान स्वरूप को पुनर्स्थापित करने में भी बहुत योगदान देते हैं। एक्चुअली भाष्यमान स्वरूप जो है लुप्त प्राय है, बहुत कम है, या संस्थानों में या कुछ ही गाँव कुछ ही क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें संस्कृत जो है अभी भाष्यमान रूप में है। तो चलचित्र ही एक ऐसा माध्यम है जो व्यापक रूप से उसको पुनः भाष्यमान स्वरूप में स्थापित कर सकती है। फिलहाल इस पूरे उपक्रम का, जो द्विदिवस व्यापी उपक्रम के प्रमुख दायित्व तो वाहिका हैं, क्योंकि संस्कृत केवल भाषा नहीं है जैसे अभी उन्होंने बताया, ज्ञान का भंडार है और साथ में सभ्यता और संस्कृति की संवाहिका भी है। अगर भारतीयता कुछ है तो संस्कृत के बगैर नहीं है। तो इसलिए ऐसे इस संस्थान में बड़ी सक्रिय भूमिका से काम करने वाली और अपने वक्तव्य से, अपने ओजस्वी वक्तव्य से सभी को मोहने वाली हमारी संस्कृत अकादमी की अध्यक्षा कोचर मैडम से आग्रह करूँगा कि अपने बहुत ही संक्षिप्त सार संक्षिप्त रूप में वक्तव्य से प्रेरित करें और इस कार्यक्रम का एक जो है कंक्लूजन या निकर्ष उपस्थापित करें। आपका स्वागत है मैडम, जोरदार ताली से सत्कार करिए कृपया। धन्यवाद।
सभी मंचस्थ सम्मान्य सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन। सभा प्रांगण में विराजे हुए अग्र पंक्ति में जो भी मेरे बड़े विद्वत है उन सभी को नमन। मातृशक्ति और बच्चों को नमन। आपने जो विकल्प कहा है, कल मैंने अपनी बात रखी थी कि चलचित्र एक वो विकल्प है जो हमारे संपूर्ण साहित्य को विविध रूपों में प्रस्तुत कर सकता है और ये दृश्य होने के कारण बहुत हृदयग्राही है और इसके माध्यम से हम संस्कृत को जीवंत रख सकते हैं क्योंकि चलचित्र भी एक जीवंत रूप है। लेकिन उसके लिए आवश्यकता है कि जो युवा शक्ति है उसको अभी से उनकी प्रतिभा ढूंढने की, तलाशने की और तराशने की, क्योंकि वर्तमान संदर्भों में हम देख रहे हैं कि संस्कृत में जो निहित जीवन मूल्य हैं उनको हम साथ में लें और वर्तमान में वैज्ञानिक पद्धति जो है उसके साथ जोड़कर जीवन जीने की कला का संदेश देंगे तो संस्कृत हमारी बहुत जीवंत रूप में नैतिक मूल्यों का आह्वान कर पाएगी जो हम आज तनाव की स्थिति, परिवारों का विघटन इत्यादि देख रहे हैं वह समाप्त प्राय होगा। तो इसका जो माध्यम है वह एक सशक्त माध्यम हमारे चलचित्र, हमारे नाटक और हमारा साहित्य है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, कल अपनी बात रखी थी, आज कईयों का कहना था कि थोड़ा उसको पोर्टल को स्पष्ट कर दें कि क्या रूपरेखा रहेगी पोर्टल की। रूपरेखा तो एक समिति के साथ बैठकर बनाई जाएगी, लेकिन जो हमारा उद्देश्य है कि ट्वेल्थ से बच्चे की नींव संस्कृत की मजबूत होने लगे और वे संस्कृत की और अग्रसर होकर के प्रचार प्रसार के साथ अपने जीवन में काम लें, उसके लिए वरिष्ठ उपाध्याय के बच्चों का और ट्वेल्थ से पढ़ने वाले, उसके बाद उम्र की कोई सीमा नहीं रहेगी क्योंकि सीखने की कोई सीमा नहीं होती है, उनका पंजीकरण होगा। अब हम आते हैं नाटक की ओर। जैसा कि अभी आपने विविध पक्षों को रखा, समय की सीमा होने के कारण मैं उनका ज़्यादा वो नहीं करूँगी, हम पूरा लिख कर भेजेंगे, लेकिन उसमें हमारे जो वैदिक मंत्र हैं उनका उच्चारण संरक्षण संवर्धन का काम रहेगा, एक पोर्टल वो, दूसरा कर्मकांड से संबंधित, तीसरा लेखन से संबंधित, चौथा वक्तृत्व कला से संबंधित, फिर श्लोक पाठ से संबंधित, पांडुलिपियों से संबंधित, इस प्रकार के। और अभी आपके वक्तव्य से जो परिधान की बात निकल कर आई कि आपने खादी के परिधान बनाए, तो उसको भी मैंने अभी डाल लिया कि हम लोग रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ें और हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे। क्या परिधान थे, क्या आभूषण थे, हम उनका भी निर्माण करना है, इनको सिखाएं। उसके लिए कल भी इस मंच का आह्वान किया गया था कि आप लोग, हम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर देंगे, फिर प्रतिभाओं का साक्षात्करण करेंगे कि वाकई में उनमें हम जिस स्तर का चाहते हैं उस स्तर की तक जाने की प्रतिभा है क्या, फिर उनको ट्रेनिंग देते जाएंगे, ट्रेनिंग देकर अलग अलग क्षेत्र में उनको हम जोड़ेंगे। तो एक तरफ तो हमारी संस्कृत सुरक्षित रहेगी, जो आज संस्कृत पर विदेशी भाषाओं का जो आधिपत्य हो रहा है वो हमारे राजस्थान में तो एक समस्या हो गई कि बच्चे संस्कृत से दूर होते जा रहे हैं, पुनः संस्कृत को पढ़ने के लिए उनके जो मूल ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करने की ओर अग्रसर होंगे। केवल मूल अध्ययन का, ग्रंथों का अध्ययन कर लिया लेकिन हमने उसको अपने जीवन में डाला नहीं, तो सबसे अच्छा मंच हमारा ये है, अभिनय का है, चित्र का, मतलब फिल्मों का है। इसके माध्यम से जब व्यक्ति मंचन करेगा, बोलेगा, तो जीवन में भी उतारेगा। तो हम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करके उनकी प्रतिभा को तलाशते सराह लेंगे, फिर 3 महीने या 6 महीने का एक पाठ्यक्रम बनाएंगे, उसमें हम ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग देते समय आप लोगों की हमें आवश्यकता रहेगी, पाठ्यक्रम निर्माण में आप लोगों की आवश्यकता रहेगी, साथ ही फिर उनमें से जो निकल कर वाक्य में आते हैं कि भाई ये अभिनय के रूप में चाहे छोटे पात्र के रूप में आए, गुजारिश इस मंच के माध्यम से यदि आप अपनी फिल्मों में उनको जोड़ेंगे, निर्माता जोड़ने लगेंगे, तो इनमें एक हौसला बुलंद होगा। कहते हैं कि अकेले चले कारवां बढ़ता जाएगा, तो हमारा ये संस्कृत का कारवां जो चलचित्र का है वो बढ़ता जाए। जमीन तल पर हम इस संस्कृत में चलचित्रों के माध्यम से आगे बढ़ें, उसके लिए विशेष रूप से रहेगा। एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूँगी, हम जो पांडुलिपियों में निहित ज्ञान है, जैसे अभी हम यानम देखेंगे, यानम में मंगलयान की
हम पहुंच गए मंगल ग्रह तक और उसका हम दर्शन देखेंगे। इसी प्रकार मैं बताना चाहूंगी कि हम जो अभी हमारे उड़ रहे विमान 8 प्रकार के हैं, लेकिन शास्त्रों में 24 प्रकार के विमान पांडुलिपि के अंदर हैं। तो हम पांडुलिपियों के माध्यम से भी अन्वेषण करना चाहेंगे कि कौन कौन सी ऐसी विधाएं हम लें जो कि हमारे जीवनोपयोगी तो रहे, लेकिन साथ ही साथ प्रचार प्रसार का माध्यम बन करके सभी को संस्कृत साहित्य अनुरागी बनाए और हमारी बोलचाल की भाषा भी धीरे धीरे बने, ऐसी एक शुभकामना है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने वेद से लेकर मंगलयान तक की सारी बातें कह दी और आपके कहने के उत्साह और करने के कार्यशैली से हमें बोध है कि यह कार्य अवश्य यथाशीघ्र अनुष्ठित होगा, संपन्न होगा। चलिए अब हम इस कार्यक्रम में इतने अच्छे वक्तव्य देने के लिए मैडम का जोरदार तालियों से सत्कार करें, और आपने इस आयोजन को अनुष्ठित किया इसके लिए भी हम आपके प्रति बहुत ही कृतज्ञ हैं सभी आए हुए व्यक्तित्वगण। अभी चलते हैं रिफ फिल्म क्लब के संस्थापक और इस पूरे कार्यक्रम में मुझे लगता है कि सर्वाधिक सक्रिय, जिन्होंने अतिथियों के आगमन की व्यवस्था, उनको कॉल करना, बुलाना, सुनिश्चितीकरण करना, ठहराना, कितना काम होता है पीछे। अभी ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसके पीछे बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। जो नेपथ्य पुरुष रहे हैं, स्वयं को कभी उपस्थापित आगे नहीं किया, ऐसे व्यक्तित्व सोमेंद्र हस्त जी, जो स्वयं सोम और इंद्र का संयुक्त रूप है, इंदवे द्रावती, ये और चीज के लिए नहीं दौड़ते, केवल इंदु यानी अमृत के लिए दौड़ते हैं। बस ये चीज फ्रूटफुल, परिणाम परक हो, ऐसे सक्रिय व्यक्तित्व और संस्कृत के लिए समर्पित व्यक्तित्व, हम सोमेंद्र हर्ष जी का इस मंच में एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। और मैं इनसे बस प्रश्न क्या कहूँ, क्योंकि हमारे बड़े गिने चुने अंगुली गंडे चलचित्र हैं जो 2 एपिसोड में मुझे लगता है कि लगभग हो गए हैं प्रदर्शित, आगे मुझे नहीं पता है अगले एपिसोड में होगा कि नहीं होगा, इसके लिए आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं कि आप आगे भी निर्माण करें। तो आपके इससे पिछले का अनुभव, अभी का अनुभव और आगे आने वाले में आपकी क्या योजनाएं हैं, थोड़ा सा बड़े ही संक्षिप्त शैली में आप बता दें कृपया। स्वागत है आपका। धन्यवाद मंच और अतिथि और मेरे सभी साथीगण जो 2 दिवसीय आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में, जो अखिल भारतीय माघ महोत्सव के अंतर्गत जो ये 2 दिवसीय संस्कृत फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, तो मैं सबसे पहले शुक्रगुजार और धन्यवाद करता हूँ कला एवं संस्कृति विभाग, हमारे मंत्री महोदय जगतगुरु रामानंदाचार्य, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय तथा राजस्थान विप्र कल्याण बोर्ड और NFDC नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिन्होंने बहुत सी सुंदर फिल्में हमें पिछले साल भी और इस साल भी हमें प्रोवाइड की है, और हमारा रिफ फिल्म क्लब जो कि उन फिल्मों को यहाँ पे इस मंच तक लाने में पूरा उपलब्ध करता है। तो ये जिस तरह आपने बताया कि जो आज कल जो हमारा रहा है कि कल आज और कल, तो सबसे पहले क्योंकि जब भी किसी फेस्टिवल को क्यूरेट करना पड़ता है तो कंटेंट पे देखा जाता है कि हिंदी फिल्में तो बहुत बनती है, पर संस्कृत फिल्म की जो चुनौती, सबसे पहले हमने जब इस फिल्म फेस्टिवल को क्यूरेट किया, बनाया, तो हमारे पास सिर्फ 16 फिल्में आज तक, सिर्फ 16 फिल्में अभी तक बनी है पिछले 40 सालों में। तो ये एक सबसे बड़ा एक मतलब चैलेंज और दुख हो रहा है कि दूसरी भाषाएं, चाहे हम हिंदी सिनेमा, मलयालम, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, गुजराती, राजस्थानी भी बात करें, तो इससे ज़्यादा फिल्में बनी हैं, बट संस्कृत में सिर्फ हमारे पास में पिछले साल जब हमने फेस्टिवल शुरू किया तो 16 फिल्में थी, जिसमें से हमने ये सोचा कि अगर हमने इसको 5 दिवसीय या 6 दिवसीय भी कर दिया तो ऐसा लगेगा कि ये तो फिल्में सभी एक एडिशन में ही हम दिखा पाएंगे, तो हमने 2 दिवसीय इस फेस्टिवल का आयोजन सोचा कि 2 फिल्में हम प्रतिदिन आयोजित करेंगे। तो पिछले साल जब हमने इस फेस्टिवल को शुरू किया तो बहुत खुशी होगी, 4 फिल्मों में से 3 फिल्में ऐसी थी जो अपने आप में एक मुकाम हासिल करती थी। पुण्य कोटि एक ऐसी फिल्म थी जो फर्स्ट संस्कृत एनिमेशन फिल्म
अपनी गाय और पुण्य कोटि आप जब भी गूगल पे भी आप देख सकते हैं, और पिछले साल बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा था। फर्स्ट संस्कृत एनिमेशन फिल्म को हमने सेलेक्ट किया था इस संस्कृत फिल्म फेस्टिवल के अंदर। फर्स्ट चिल्ड्रन फिल्म, बाल फिल्म मधुर भाषितम, मधुर स्मितम हमने इसके अंदर सेलेक्ट किया था। और सबसे बड़ी फर्स्ट कॉमर्शियल फिल्म, जैसे आप कहते हैं कि कोई भी फेस्टिवल या फिल्म बनती है तो कॉमर्शियल नज़रिए से भी फिल्म बनती है कि उसका कैसे बड़े डिस्ट्रीब्यूशन से बड़े फिल्म स्क्रीन पे भी जाए, तो प्रतिकृति करके एक फिल्म थी जो हमने इसको इस तरह से किया था। और पहली फिल्म जो जिनके डायरेक्टर भी आए थे प्रिय मानसम, जिनको नेशनल अवार्ड भी मिला था, तो चार फिल्में विनोद मंकारा जी भी आए थे, तो ये चार फिल्में हमने सेलेक्ट की थी। इस वर्ष वापस हमने जब चार फिल्में ली है, जैसे आप फर्स्ट साइंस फिल्म यानम जो अभी इसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद शाकुंतलम है, भागवतोचम है, और फर्स्ट 40 साल पहले आदि शंकराचार्य जो हमारी ओपनिंग फिल्म। तो कहने का तात्पर्य कि हमने 8 फिल्में तो दोनों फिल्म फेस्टिवल में दिखाई दिए। अब हम जब नेक्स्ट एडिशन करेंगे तो हमारे पास चॉइस सिर्फ लिमिटेड फिल्मों की है, तो इस मंच पे जितने भी संस्कृत फिल्म एकेडमी और हमारे फिल्म क्लब का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से बुलाने का तात्पर्य होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आप संस्कृत की, जैसे आपने बताई है कि भगवद गीता पे भी, बट उसको वर्जन करके अगर आप वापस नए आधुनिकता में पेश करेंगे, जैसे आपने बहुत अच्छा कॉस्ट्यूम लोकेशन और जो आपने यूज़ किया कलाकार, तो आपसे मैं ये चाहता हूं कि आप संस्कृत में ज्यादा से ज्यादा फिल्में अगर बनेगी तो हम ये जो एडिशन है संस्कृत फिल्म फेस्टिवल को आगे से आगे इस तरह हर वर्ष करना चाहेंगे। और जितनी फिल्में ज़्यादा बनेगी तो इसकी दिन दो दिन की जगह 4 दिन भी फिल्म करें, बट हमें आप लोगों का सहयोग चाहिएगा, प्रोड्यूसर का भी। और सबसे बड़ी मैं आपसे खुशी की बात शेयर करूंगा कि जो कला एवं संस्कृति मंत्री, जिन्होंने पिछली बार भी ये हमें पूरा सहयोग किया था कि जो भी फिल्म मेकर्स संस्कृत की स्क्रिप्ट लेके आता है और राजस्थान में और हमारे मंत्रालय में अगर संस्कृत की स्क्रिप्ट लेके कोई प्रोड्यूसर आता है तो पूरा सरकार उनको फिल्म बनाने का जितना सहयोग आपको एक फिल्म बनाने में चाहिएगी, राजस्थान सरकार उसको आपको पूरी मदद करेगी। तो एक सबसे बड़ा फिल्म बनाने के लिए जो एक चैलेंज होता है कॉमर्शियल, वो पूरा आपको सहयोग राजस्थान सरकार दे रही है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप राजस्थान आइए, राजस्थान संस्कृत एकेडमी और रिफ फिल्म क्लब आपको जितना आपको ऑडिशन से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइन प्रोड्यूसर, कास्ट, आपको जितना सहयोग चाहिएगा हम रिफ फिल्म क्लब आपको इस फिल्म बनाने में पूरा मदद करेंगे। इन्हीं शब्दों और इन्हीं के साथ मैं रिफ फिल्म क्लब आपसे वापस आप सभी का धन्यवाद करता हूं, और इसी तरह आगे अगले वर्ष भी मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने एक बड़ा आश्वासन दिया, मैं भी यही चाह रहा था, क्योंकि जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादि ये पाठ्यक्रम में कई विश्वविद्यालय में लगभग सब में और कई वैदिक सूक्त लगे हुए हैं, यम यमी संवाद है, अगस्त्य लोपा मुद्रा के संवाद में, जिसमें श्रृंगारिक बातें भी हैं, इनमें शॉर्ट्स फिल्म भी बन सकते हैं, छोटे मूवीज जो होते हैं, छोटे लघु चलचित्र, अगर आप इन पे काम करें और यूनिवर्सिटी से कहे आपके उसमें लगा हुआ है तो आप इसके लिए ग्रांट करें कुछ, जैसे मैडम ने कहा सहयोग देंगे अकादमी से करें, तो वो तो बहुत बढ़िया है। एक घंटे की मूवी है, आधे घंटे की मूवी है, सूक्त पे आधारित है, 15 मिनट की है, तो बच्चे पढ़ भी लेंगे उसी से और लाइव जो चित्र घूमेंगे तो उनको स्मरण करने में भी सरलता रहेगी और साथ में संस्कृत के ही सूक्त चल रहे होंगे, कितनी अच्छी बात होगी। ये तो बहुत ही अच्छी आपने उपकल्पना यहाँ की, उद्भावना की, हो सकता है कि अगले साल इन सब चीज़ों में आप करेंगे। आप इन सूक्तों के विषय में, वैदिक सूक्तों के विषय में, अंतिम एक आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने नाट्य के विषय में बहुत सा बोध दिया कि उनमें सब कुछ है, सूक्तों के विषय में, वैदिक सूक्तों के विषय में, नासादीय सूक्त जिसमें पूरा पृथ्वी की रचना कैसे हुई, ये ब्रह्मांड की सृजना कैसी हुई, उसके विषय में आप एनिमेटेड भी कुछ चीज़ कर सकते हैं, है ना, सूक्त ही है, कुछ मंत्र हैं उसमें, तो इन सूक्तों के विषय में, श्रृंगार परक सूक्त भी हैं क्योंकि सारा श्रृंगार वैदिक वाङ्मय से ही आ रहा है। अब आप पद्म पुराण में जिस शाकुंतला को देखते हो, जिसको महाभारत में देखते हो, वही अभिज्ञान शाकुंतलम वहीं से उठा है, सारा हिंदी का साहित्य महाभारत और रामायण पर आधारित है, तो मूल तो कहीं ना कहीं उच्च संस्कृत का ही है, तो वैदिक सूक्तों के विषय में आपका क्या मंतव्य है, कृपया कंक्लूजन करते हुए आप इसको समाप्त कर दीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है, एक बार जोरदार ताली से सत्कार करें। While we speak about
Sanskrit as a language for literature. We often think that the Vedas are in Sanskritam. There is a small difference of opinion with the commentators like Sayanacharya, Bhattabhaskara, Mahidharacharya, Rangaramanuja Muni, who say that Vedas are in a sound language. So it's called Veda Bhasha. Sanskritam is very close to Vedic language. So we often confuse both are in the same language. For example, main ek udaharan aapko Hindi se hi bata deta hoon. जैसे कि मैं बोलता हूँ कल मैं आया था. What does कल mean? See, I am asking question to people who know Hindi so well. What does कल mean? अरे, you have to answer. Open your mouth and answer. Wonderful. कल मैं आऊँगा. So you decide the meaning of कल based on the verb. If the verb is in past tense, it becomes yesterday. If the verb is in the future tense, it becomes tomorrow. So the kriya pad decides it. For example, I say, give me peace. Give me peace. What is the spelling of peace? P-E-A-C-E. Mujhe shanti do. Give me rest. Give me a peace. P-I-E-C-E. Aapne kaise decide kiya? Kyunki पीस के आगे एक इनडेफिनेट आर्टिकल ए होगा तो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन पीस नहीं हो सकता है. करेक्ट. सभी भाषाओं का यही शैली है. लेकिन जब वेद में हम बोलते हैं अजहा ये तत्कर्मणि अजहा, तो साउंड नीचे जाता है. तो अजहा का अर्थ होता है गोट. जब वो नीचे जाएगा, मैं बोल जब मैं बोलता हूं अजहा एवं वा, देन इट बिकम्स ब्रह्मा. तो ऊपर जब जब हम जाते हैं अजहा, तो वो ब्रह्मा होता है, और नीचे जब जब हम जाते हैं गोट होता है. सो वेदम इज नॉट कॉन्टेक्सुअल, इट इज साउंड बेस्ड. तो वो एक साउंड लैंग्वेज है. इसीलिए अनुदातम स्वरितम, दीर्घ स्वरितम को लेकर हम सूक्त बोलते हैं. तो सूक्तम को लेके हमने इस मूवी में, जब आप देखेंगे 3 बजे को, हमने ऋग्वेदम के खिल भाग जो होता है श्री सूक्तम, हिरण्यवर्णम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो महावह, तो हमने ऋग्वेद का उल्लेख किया है. और यजुर्वेद में 2 होती है, एक है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद. दक्षिणीय भारत में ज्यादातर कृष्ण यजुर्वेद होता है, जैसे तैत्रीय शाखा. और गुजरात और राजस्थान में ज्यादातर शुक्ल यजुर्वेद होता है, उसमें शतपथ ब्राह्मणम आता है. तो हमने दोनों वेदों का इसमें उल्लेख किया है. सो यू विल लिसन टू यजुर्वेदम, शुक्ल यजुर्वेदम एंड कृष्ण यजुर्वेदम इन दिस मूवी. सो वेदास आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. मूवीज के माध्यम हम सूक्तम को लेकर स्टोरी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा. लेकिन हम सूक्तम को जहां सूटेबल हो वहां यूज कर सकते हैं. वी कैन श्योरली सूटेबली यूज द सूक्तम्स इन एनी मूवी दैट वी मेक. या I hope I've answered this question. Thanks for your patient listening. I wish I had a Nobel Prize to give for your patience. I don't have one. Assume I've given one to you. बहुत बहुत धन्यवाद. वैदिक परंपरा के प्रति अगाध श्रद्धा और उस परंपरा के प्रति हमने समर्पण देखा, साथ में इनका गहन गांभीर्य, ज्ञान का गांभीर्य देखा कि भैया उदात अनुदात स्वरित से लेकर उनका प्रयोग कैसे हम कर सकते हैं. यदि हो तो बस सूक्तों को हम पीछे से कभी उपयुक्त चित्र के अनुसार प्रयोग करें. लेकिन ठीक है, आपका कथन आपके हिसाब से, क्योंकि आप चलचित्र निर्माता हैं और बोध भी रखते हैं. मुझे लगता है यदि आप चलचित्र निर्देशक या पब्लिक स्पीकर नहीं होते, जरूर भाषा शास्त्री होते. बहुत भाषा का गहन ज्ञान है. तो आगे इस परिचर्चा सत्र को हम यहीं समाप्त करते हैं.